तो कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे हनी ट्रैप मामले में पीड़ित युवती की मां ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी और उनकी बेटी यानी आरोपी युवती की जान को खतरा बताया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। पीड़िता की मां का कहना है कि कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उनकी बेटी के साथ गलत किया और फिर षड्यंत्र कर उसे फंसा कर जेल भेज दिया। पीड़िता की माँ से बात की हमारे संवाददाता आकाश सेन ने। हेमंत कटारे हनी ट्रैप मामले में जिस तरीके से युवती के साथ जो तमाम चीज़ें सामने आई, समय हमारे साथ जो पीड़िता की माँ है वो मौजूद है, हम सीधे उनसे बात करेंगे। जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया क्या लग रहा है आप? जी, हमारे लड़की के साथ गलत हुआ है। हम विधायक हेमंत कटारे ने गलत किया है, उन्हें गंदी हरकतें हर तरह से किया है। अपनी विधायक की क्या षड्यंत्र रचा, अपनी पावर का षड्यंत्र रचा और मेरी बेटी को जेल भिजवा दिया, जो कि अपराधी हेमंत कटारे विधायक है, जो कि ऐसे खुले घूम रहा है। हमारे परिवार की खतरा है, हमारे बेटी को भी खतरा है। हमारे बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हमारे परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए। जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, अब आप क्योंकि अब रिहाई हो रही है, आप क्या चाहती हैं? अब क्या कार्रवाई होना चाहिए और किस तरीके से सुरक्षा चाहिए आप? हेमंत कटारे को जेल होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए जो हमारी बेटी को झूठे षड्यंत्र में रचा है, भिजवाए हैं जेल, जो कि हेमंत कटारे हमारी बेटी के साथ गलत किया है, दुष्कर्म किया है। साफ तौर पे जो पीड़िता की माँ है उनका यही कहना है कि जो कांग्रेस एमएलए हैं हेमंत कटारे, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और वो साफ तौर पर जो कानून है उनसे न्याय की गुहार लगा रही है, सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है कि उनकी बेटी के साथ साथ उनको भी जो है न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन नगीन के साथ आकाश सेन, IND24 भोपाल।